सो गाइज हाई अल्टिट्यूड एरियाज में क्या होता है पता है, वेदर का कोई ठिकाना नहीं होता है, एक ही बार में चेंज हो जाता है, हर सिर एक ही बार में नॉर्मल हो जाता है। सो गाइज दे आर फ्रॉम IIT खड़गपुर। सो इन लोग के लिए एक डायलॉग है, एस थ्रू IITs वी शुड ऑल डिस्कस अबाउट इनोवेशन लाइक रोबोटिक्स, साइथियरी फॉर ब्लैंक्स, फोबैटिक्स, क्वांटम हैकिंग, हु सेज मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। हबीबी वेलकम टू सिक्किम। आई मेट 10 गाइज फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड दे वर सो नाइस, और मैंने 2-3 जीनियस मूवी का डायलॉग सुना दिया जो IIT से रिलेटेड था, तो वो लोग भी आश्चर्यचकित हो चुके हैं। -5 degrees है टेम्परेचर। फाइनली आई मीन स्नोमैन उतना खास नहीं है लेकिन फिर भी। सो हर बार की तरह आज भी मैं अकेला हूँ, सोलो में मज़ा है। द लेक इज़ टोटली फ्रोजन। सो गाइस ये स्नो में अगर गाड़ी फिसल गया ना तो डायरेक्ट नीचे पहुँच जाएगा। किसको चाहिए ये स्नो कमेंट कर दीजिए, मैं लेके आऊँगा। सेम हियर ब्रो, विल सी यू सून। या सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। और कल मेरा रेस हुआ था, सॉरी मैराथन था, तो आई वॉज इन टॉप 10। और गाइज बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो ऊपर स्नोफॉल हो रहा है तो छांगू एंड डोकलाम वगैरह में, सो मैं वहीं पर जा रहा हूँ आज। और भैया पहुँचने वाले हैं तादुंग और मैं भी अभी निकलने वाला हूँ। सो ये कुछ आज का सीन वगैरह, तो मैं जाके रेडी हो जाऊँगा और फिर निकलते हैं। और सो गाइज मैं रूम से निकल गया और ये थोड़ा GoPro का बॉक्स एंड फ़ोन जो कि फूटा है, और ये कुछ यहाँ का व्यू, तो निकलते हैं। भैया इंतज़ार कर रहे हैं, अरे पीछे बैग में जैकेट वगैरह सब है बिकॉज़ ऊपर स्नोफॉल हो रहा है तो पकड़ना पड़ता है जैकेट कैप वगैरह। सो गाइज अभी मैं हूँ देवराली पे और गाड़ी पे चढ़ चुका हूँ, भैया है साथ में। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा ऊपर छांगू? डेढ़ घंटा ही मान लो, पकड़ लो, क्योंकि हम लोग इधर TR जाएंगे डोकलाम। सो ये है कुछ यहाँ का व्यू, मॉर्निंग व्यू ऑफ गैंगटॉक। सो गाइज कल जो मैराथन हुआ था हमारा तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये वेस्ट पॉइंट मॉल जो कि कल इनॉग्रेटेड हुआ, इसका भी तो इसका नीचे जो फ्लोर है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप विजिट कर सकते हैं। और मस्त कल बहुत मज़ा आया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पवन चामलिंग, सॉरी प्रेम सिंह गोले जो है वो भी थे हमारे साथ, तो बहुत ही मज़ा आया। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, एंड नेपाली त यस्तै हुन्छ हैन, हामी राम्रै हुन्छ सबैसँग। सो गाइज कल यही रास्ते से हम लोग मैराथन दौड़े थे यहाँ से, तो बड़ा मज़ा आया। एंड अभी तो हम लोग TR के लिए जा रहे हैं छांगू से बहुत ऊपर डोकलाम। और यू नो गाइज इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, जो कि डोकलाम तो आपको पता ही होगा चाइना हमेशा से कब्जा करना चाहता था बट दे कुडंट कैप्चर बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। और डोकलाम जो है वो भूटान की तरफ पड़ता है, और भूटान में तो आपको पता ही है इंडियन आर्मीज भी है, सोंगमो नाथुला। सो इस रास्ते से जाते हैं हम लोग। सो मैंने नाश्ता नहीं किया था सुबह, तो ये बिस्किट खाऊँगा। हैव अ गुड डे। सो गाइस हम लोग चेक पोस्ट से निकल चुके हैं और वहाँ पर पास वगैरह चेक कर रहा था, तो मुझे तो पास नहीं चाहिए। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं 5 माइल है, नहीं हो 5 माइल 4 माइल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं 4 माइल। और यहाँ से व्यू क्या मस्त दिखता है गाइस सब में। और गाइस एक राज की बात बताऊँ, जो आज तो स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा और ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो है, तो यहाँ था दिसंबर के मंथ में जनवरी, तो ऊपर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड भी है ना गाइस, और इट्स अ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। तो गाइस व्यू चेक करें, तो अभी हम लोग बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं और ये मस्त व्यू है, लग रहा है कि कश्मीर में आ गए। सो ऊपर से रोड जाता है, वहीं से जाना पड़ता है हमें। तो गाइस ये जो कुछ दिन पहले बहुत ही ख़राब था वेदर, तो आज एकदम धूप लगाए, यू नो आई एम लकी कि आज धूप लगाए, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकता हूँ आज। तो अभी हम लोग बादलों पे आ चुके हैं, देखो गाइस बादल। सो गाइस कंचनजंगा इज़ विजिबल, वो दिख रहा है लेकिन GoPro में जूम नहीं कर सकता मैं। और यहाँ पर बाज़ार वगैरह सब लगता है, कपड़ा का दुकान एंड ऑल। तो यू नो गाइस ऊपर स्नोफॉल स्नो है, तो अभी थोड़ी देर में आपको स्नो भी दिखाऊंगा। सो गाइस चेक द सीन,
अच्छा खुचा स्नो है यहाँ पर। तो अभी फरवरी मार्च में फिर स्नोफॉल होगा यहाँ पर और उस वक्त का सीन सिनेरियो अलग ही है। सो गाइस चेक द व्यू, स्नो स्नो, किसको चाहिए ये स्नो कमेंट कर दीजिए, मैं लेके आऊँगा। सो गाइस हम लोग 15 माइल क्रॉस करके अभी जा रहे हैं एंड वहाँ पर आर्मी का कैंटीन था तो वहीं पर नाश्ता वगैरह करके निकल चुके हैं। और आप जब भी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पे आते हैं तो कुछ खा के आइएगा, बिकॉज अगर आप खाली पेट आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग सांगमू भी पहुँचने वाले अभी थोड़ी देर में, और यहाँ से सांगमू लेक 8 किलोमीटर है और नाथुला 25। तो वो पहाड़ पर एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ है, इस तरफ तो नहीं है बिकॉज इस तरफ धूप पड़ के वो सब पिघल गया है, तो उस तरफ बहुत ज़्यादा है। चेक द सीन भाई, ये देखो सच में इट्स अ काइंड ऑफ हेवन। सो गाइस जब सन का जो रे है जब स्नो में पड़ता है ना तो कुछ अलग ही दिखता है, चेक इट आउट, एकदम अलग सा ही यू नो क्लेज आता है। सो गाइस कुछ दिन पहले यहाँ पर इतना ज़्यादा बर्फबारी हुआ था कि मतलब टूरिस्ट गाड़ी वगैरह सब कुछ जाने के लिए मतलब रास्ता ही नहीं था, एकदम रास्ता मतलब रास्ता में एकदम बहुत ज़्यादा बर्फ था, तो अभी एकदम फाइन है। सो अभी यहाँ पर रुके हैं और व्यू चेक करें तो पानी पे कुछ इस तरीके का होता है छांगू में, हम ठीक होता था इसका, ये है कंडीशन यहाँ का। सो गाइस ये ऊपर छांगू जाता है और ये है रास्ते में याक जो कि ये भैया का है, बट डर भी लगता है गाइस याक। तो ये जो स्नो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एकदम। तो ये भैया टूरिस्ट का वो करते हैं, याक में टूरिस्ट को चढ़ाते हैं। तो ये है यहाँ का व्यू, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर माइनस में है और होटल सभी और एक जैकेट लगाना है। तो अंदर से 2 इनर लगाया हूँ और एक टी शर्ट, ग्लव्स टोपी वगैरह। गाइस क्या व्यू है, चेक दिस आउट। सो ये कुछ सुबह का नाश्ता एंड इट्स सो कोल्ड हियर, माइनस मतलब टेम्परेचर माइनस पहाड़ों पे मैगी। सो गाइस वेदर बहुत बिगड़ चुका है और अभी निकलते हैं यहाँ से, भाई साहब इतना ज़्यादा ठंड है। सो गाइस ये प्लेस का नाम चिपचू है, वो यहाँ पर जो बचा हुआ जो बर्फ था उसको तोड़ रहे हैं रास्ते में। सो गाइस ये कुछ व्यू छांगू का, तो यू नो बर्फ ही बर्फ है। सो हम लोग जाएंगे तामजे, तामजे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से यू नो चाइना बॉर्डर बहुत ही पास में पड़ता है, तो टूरिस्ट लोग को तो अलाउ नहीं है उधर तामजे तरफ जाने के लिए, बट मेरे पास स्पेशल परमिट है फॉर दैट रीज़न। और कभी धूप लगता है तो कभी नहीं लगता, यार क्या है ये। सो गाइस ये रोप वे जो कि इंडियाज हाईएस्ट पैसेंजर ऑल्टीट्यूड रोप वे, तो लेक सांगमू जो है वो टोटली फ्रीज हो चुका है। सो गाइस छांगू लेक जो है वो टोटली फ्रीज हो चुका है। सो गाइस यहाँ का व्यू चेक करें, लग रहा है कि कश्मीर में आ गए। वो जो है सादा वो है छांगू लेक, टोटली फ्रोजन। पर टूरिस्ट वगैरह फोटो ले रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस यहाँ लिखा है आयो गोरखाली। सो ये तामजे जाने वाला रोड है, बहुत ही ज़्यादा स्नो वगैरह था। सो गाइस ये स्नो में अगर गाड़ी फिसल गया ना तो पैर नीचे पहुँच जाएगा, इतना स्लिपरी होता है। सो गाइस चेक द व्यू, क्या रेट होगा नागचुक। सो ये प्लेस का नाम है नागचुक एंड इट्स रिस्ट्रिक्टेड फॉर टूरिस्ट, लेकिन वी आर
द सप्लायर्स ऑफ इंडियन आर्मी। सो गाइस यहां पे आके ना नॉर्थ सिक्किम आया ऐसा लग रहा है। आज सच में फील हो रहा है कि स्वर्ग में हूँ। नॉर्थ सिक्किम बहुत बार गया लेकिन ईस्ट सिक्किम में ये प्लेस पहली बार देखा। सो गाइस यहाँ पर एक फ्रोजन लेक है जिसका नाम है एक लेक अंडा लेक। टोटली फ्रीज हो चुका है, इसके ऊपर आप चल भी सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा गाँव है अंडा गाँव शायद अंडा गाँव। सो गाइस ये जो प्लेस है इसका नाम है भालू खोप, क्योंकि यहाँ पर भालू बहुत ज़्यादा होता है। भालू मतलब बियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, अभी तो नहीं है फिलहाल। सो गाइज हम लोग इस प्लेस से निकल रहे हैं एंड ये कुछ यहाँ का व्यू एकदम, अभी तो रोड में कुछ नहीं है, एकदम साफ है। ठंड भी उतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज धूप लगा है इसके कारण। सो गाइज अगर आप स्नो फॉल एरियाज पे आते हैं तो यू नो आपको ग्लास पहनना पड़ता है, क्योंकि जब जो सन का जो रे है जब डायरेक्टली स्नो पर पड़ता है तो बहुत प्रेशर पड़ता है आपके आइज़ को देखने के लिए, मतलब स्नो को देखने के लिए। सो इसलिए मैंने ग्लास पहना। सो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं छांगू, और ये है छांगू लेक जो कि टोटली फ्रीज है। और यहाँ पर सुबह टूरिस्ट लोग फोटो भी ले रहे थे तो मेरे को भी एक लेना है, शायद नीचे लूँगा। सो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ छांगू लेक, और ये कुछ यहाँ का सीन, द लेक इज़ टोटली फ्रोजन। और ये याक इस पर आप यू नो फोटो भी ले सकते हैं, बस इट विल टेक 100 रुपीज़। सो दिस इज एशियाज़ इंडियाज़ हाइएस्ट ऑल्टीट्यूड पैसेंजर रोपवे। बढ़ो सो गाइज इज द सेकेंड टाइम दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग स्नो। सो अगर आप स्नो जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है वहाँ पर आते हैं तो वेयर बूट्स स्नीकर्स लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिसलन होता है, और वही हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। सो गाइस गोप्रो ख़रीदने का खास फ़ायदा क्या है पता है, जब आप ठंडी जगह में होते हो ना तो फ़ोन ग्लव्स पहनते हैं आप, और फ़ोन चलाने के लिए ग्लव्स खोलना पड़ता है, लेकिन गोप्रो को एक ही बार में क्लिक करो और यूज़ करो। सो हर बार की तरह आज भी मैं अकेला हूँ, सोलो में मज़ा है, अकेले में मज़ा है। सो भैया याक ला रहे। सो गाइज हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में क्या होता है पता है, वेदर का कोई ठिकाना नहीं होता है, एक ही बार में चेंज हो जाता है, हर सीर एक ही बार में नॉर्मल हो जाता है। और गाइज इतना ज़्यादा ठंड है, माइनस फाइव डिग्री है टेम्परेचर। हु सेज मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस हबीबी, वेलकम टू सिक्किम। सो गाइस पहले तो ये कभी नहीं किया लेकिन इस बार मैं स्नोमैन बना रहा हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए मैं दिखाता हूँ। फाइनली आई एम स्नोमैन, इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी इट्स द फर्स्ट टाइम। इसका हाथ आइज नोज ईयर। सो गाइस ये जो चीज़ है दिस इज स्नो रिफ्लेक्टर, ये जो जहाँ पर स्नोफॉल होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। एंड माई ब्रदर गिफ्टेड मी दिस, दिस इज़ यूज बाई इंडियन आर्मीज। सो गाइस अब यहाँ छांगू लेक के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं एंड लेक इज़ टोटली फ्रोजन। इसके ऊपर आप चल भी सकते हैं बट इट्स अ काइंड ऑफ यू नो बुद्धिस्ट लोक का जो है ना, इट्स अ रिलीजियस लेक वी कॉल इट। सो गाइस इस वाले पोर्शन में आने के लिए अलाउड नहीं था, सो यहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ पर आई थिंक ही इज़ एन आर्मी और अ पुलिस, सो वो बोल रहे हैं इधर से जाओ बार बार सिटी मार के, तो यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस दे आर फ्रॉम IIT खड़गपुर। सो इन लोग के लिए एक डायलॉग है, एस थ्रू IITs वी शुड ओनली डिस्कस अबाउट इनोवेशन लाइक रोबोटिक्स, आई थियरी फॉर ब्लैंक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, इन सब के ट्रेसेस आपको भेदों मिलेंगे, पर आपको फुर्सत का है भाई, आप तो धीरे धीरे टेक्स्ट बुक गिरे हुए हैं। थैंक यू, लोगों को लगता है भाई बाहर से। थैंक यू सो मच, सबको मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू विशाल लामा ब्लॉग्स ना। या या सो गाइस इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस, एंड जो
जो लोग से मिला था मैं अडे फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर एंड रियली नाइस टू मीट यू गाइस सेम हियर ब्रो विल सी यू सून या ओके बाय 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 सो गाइस मैं छांगुलेक से निकल गया और पता है जब आप घूमने जाते हो ना अलग अलग प्लेसेस तो आपको बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल मिलते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ एकदम मिल पाते फ्रेंडली होते हैं सो आई मेट टेन गाइज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर एंड दे वर सो नाइस और मैंने दो तीन जीनियस मूवी का डायलॉग सुना दिया जो आईआईटी से रिलेटेड था तो वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए सो सोच बोल रहे हैं कि आर यू लेक्चरर भाई साहब तो यार मैं निकलता हूँ अब गैंगटॉक के लिए तो ये है कुछ यहाँ का सीन वादियाँ इन वादियों को देखे ना गाइस अलग ही सुकून मिलता है सच में गाइस पहाड़ों में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है सिटी लाइफ इज़ ओके बट माउंटेन लाइफ इज़ द बेस्ट टू गेट द मेस्मराइजिंग फीलिंग सो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था अभी मैं गैंगटॉक जा रहा हूँ तो गाइस सी इन द नेक्स्ट व्लॉग टाटा बाय बाय